तो गाइस इस वीडियो का थंबनेल आपको जितना ज़्यादा फनी और ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा ये मैटर उतना ज़्यादा सीरियस है। कल रात को मुझे यूट्यूब की तरफ से कॉपीराइट स्ट्राइक दिया गया था ऑटोडेस्क की तरफ से, जो कि 90 दिनों तक मेरे चैनल पे रहेगा। तो देखो, कोई भी कंटेंट क्रिएटर बिल्कुल भी ये नहीं चाहेगा कि जो उसने महीनों की मेहनत की है, फिर सालों की जो उनकी मेहनत लगी है, वो ऐसे किसी छोटी मोटी बेवकूफ़ियों की वजह से उनका चैनल टर्मिनेट कर दिया जाए। और ये सारी जो गलतियाँ होती हैं ये यूजुअली जाने अनजाने में ही होती हैं। और मेरे चैनल पर जो स्ट्राइक मुझे पहला स्ट्राइक मिला है, ये इसके बारे में ना ही मुझे YouTube पे कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन मिला था जो उनका, जहाँ पे वो अपने खुद के पेज पे कम्युनिटी गाइडलाइंस के बारे में बताते हैं, वहाँ पे इस चीज़ के बारे में कुछ भी कवर नहीं किया गया था। तो आज मैं आपको इसके बारे में बताने वाला हूँ। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। लाइक आप नहीं भी करेंगे इस वीडियो को तो चलेगा, मैं चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि बाकी लोगों को भी इसके बारे में पता रहे। और ये एक स्पेशल टाइप का स्ट्राइक है, कैसे काम करता है इसके बारे में भी आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को फटाफट से शुरू कर लेते हैं। Let's roll the intro. तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको ये समझा देना चाहता हूँ कि कॉपीराइट क्लेम और कॉपीराइट स्ट्राइक के बीच का डिफरेंस क्या होता है। जब भी आप कुछ ऐसा कंटेंट बनाते हो अपने चैनल पे और किसी का म्यूजिक यूज़ करते हो या फिर कोई वीडियो क्लिप यूज़ करते हो बिना उस जिसने भी उस वीडियो को बनाया या फिर उसके जो कंटेंट क्रिएटर हैं उनको अगर आपने बिना बताए बिना परमिशन के उसके यूज़ करते हो, तो वो आपके चैनल पे कॉपीराइट का क्लेम करते हैं। जिससे होगा क्या कि आपके चैनल पे कुछ अफेक्ट नहीं पड़ेगा, जो भी उस पर्टिकुलर वीडियो से जो रेवेन्यू जनरेट होगा, जो पैसा आप कमाने वाले थे, वो सारा का सारा पैसा उस पर्टिकुलर कंटेंट क्रिएटर को चला जाता है और आपको उसमें कुछ नहीं मिलता है। वहीं पे अगर बात करें कॉपीराइट स्ट्राइक्स के बारे में, तो ये थोड़ा सा हार्श हो जाता है और आपको मात्र 3 अटेम्प्ट्स मिलते हैं। पहला स्ट्राइक में आपका जो चैनल होता है वो 90 दिनों के लिए डीमोनेटाइज किया जाता है और आपका जो भी रेवेन्यू रहता है, जो भी जनरेट आप जो भी आपकी अर्निंग थी वो रोक दी जाती है। सेकंड स्ट्राइक जब आता है आपके चैनल पे, तो आप 2 हफ्ते तक के लिए कोई भी आप अपने चैनल पे कुछ भी पोस्ट वगैरह नहीं कर सकते हो, ना ही आप कुछ कमेंट वगैरह कर सकते हो। और तीसरा स्ट्राइक अगर आपके चैनल पे 90 दिनों के अंदर में आता है, तो उसके बाद आपको 2 हफ्ते का टाइम मिलता है। उसके बीच में अगर आपका स्ट्राइक अगर हट जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो आपका जो चैनल है वो कंप्लीट तरीके से टर्मिनेट कर दिया जाएगा और आपका जो भी पूरा मेहनत था सालों का वो सारा का सारा वेस्ट हो जाएगा। तो देखो गाइस, सबसे पहले मैं आपको ये समझा देना चाहता हूँ कि मुझे मेरे चैनल पे जो स्ट्राइक दिया गया था वो किस तरीके से काम करता है और आप कैसे बच सकते हो। तो मैंने जो वीडियो बनाया था, जो ट्यूटोरियल बनाया था, वहाँ पे मैंने गलती कहाँ पे किया था कि मैंने ऑटोडेस्क का जो भी उसके एप्लीकेशन थे उसका नाम लिया था सबसे पहली चीज़। तो आप कभी ट्यूटोरियल इस टाइप के बनाते हो तो आपको कभी भी उसके किसी भी पर्टिकुलर चीज़ का या फिर किसी ब्रांड का आपको नाम नहीं लेना है, ना ही उसका आपको लोगो दिखाना है, ना ही आपको टाइटल और ना ही आपको थंबनेल में ये सारी चीज़ें आपको ऐड करने की ज़रूरत है। आप सिंपली बता सकते हो, सॉफ्टवेयर के अंदर में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो पब्लिक के अंदर इतना कॉमन सेंस है कि वो इन सारी चीज़ों को अगर सर्च भी करें तो वो वहाँ से उनको मिल जाएगा। अगर आप इस टाइप के कुछ भी कंटेंट्स वगैरह दिखाते हो तो वो पायरेसी के अंदर में चला जाता है और वहाँ पे आप फंस सकते हो और आपके चैनल पे पहला स्ट्राइक आ सकता है। और यूजुअली होता क्या है कि जो भी इस टाइप के जो डेवलपर्स हैं जिनको बहुत ज़्यादा रिसर्च करना पड़ता है, इंजीनियरिंग टीम को पैसा पे करते हैं, उसके बाद जाके कुछ एप्लीकेशंस डेवलप करते हैं, तो उनको मॉनेटरी लॉसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब सपोज करो कि अमेज़ॉन का जो प्राइम मेंबरशिप है, जहाँ पे आप अमेज़ॉन प्राइम बाय करते हो, या फिर नेटफ्लिक्स का जो प्राइम मेंबरशिप है, ये सारे के सारे पेड सॉफ्टवेयर्स हैं। अगर पेड आपको सर्विसेज हैं जहाँ पे आप एंटरटेनमेंट की चीज़ें यूज़ करते हो, तो अगर आप YouTube पे आके ये सारी चीज़ें बताओगे पब्लिक को कि कैसे वो फ्री में इन सारी चीज़ों को अवेल कर सकते हैं, तो उससे होगा क्या कि उस पर्टिकुलर कंपनी को बहुत ज़्यादा पैसों का लॉस हो जाएगा। तो वो कंपनी को अगर पता चलेगा कि YouTube पे ये सारी चीज़ें चल रही हैं, तो वो आपको YouTube को सीधा लॉसूट फाइल कर सकते हैं और कोर्ट केस कर सकते हैं, उसके बाद उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा चार्जेस कर सकते हैं। तो उन सारी चीज़ों से बचने के लिए YouTube ने अपने कम्युनिटी गाइडलाइन में इन सारी चीज़ों का कॉपीराइट का जो क्लेम है, कॉपीराइट का जो स्ट्राइक वाला सिस्टम है, इसको उन्होंने इंट्रोड्यूस करके रखा है। और काफ़ी लोगों को इसके बारे में नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता था और मुझे कल रात को इसके बारे में पता चला। और YouTube पे भी आप ढूंढोगे तो आपको बहुत ज़्यादा इस पे डिटेल में आपको वीडियो नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों को। ओके गाइस, तो आज के वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको कुछ और पर्टिकुलर चीज़ों के बारे में जानना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बेझिझक होकर पूछ सकते हो। तब तक के लिए आप ये वाले वीडियोज़ जाके देख सकते हो। अपना ध्यान रखो। बाय बाय एंड पीस।